चढ़ू, दोनों एक ही दिन पड़ रहा है, पर ईद की नमाज जो है सुबह है, इसलिए हम लोग जो ईद की ड्यूटी है वो पूर्वान्न में रहेगी, और सामान्यतः सरहुल का जो जुलूस निकलता है वो अपराह्न में निकलता है। हम लोग दोनों ही के लिए जो विधि व्यवस्था के लिए करीब 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती हुई है, और इसके अलावे हम लोग जितने भी सेंसिटिव स्पॉट्स है उस पर स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है, जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट से कवर नहीं हो पा रहा उसको हम लोग पेट्रोलिंग से कवर कर रहे हैं, और सारे जुलूस को स्कॉट करके निकाला जाएगा। और ईद के दौरान भी हर एक मस्जिद और जहाँ भी संवेदनशील स्थल है वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। सभी धर्म के लोग जो है उनसे अपील है वो बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएं, लेकिन कोई भी जोश में कोई गलत काम ना करे, ये मेरी अपील है। सोशल मीडिया पर जो भी रूमर फैलाएंगे या आपत्तिजनक पोस्ट करेंगे, वीडियो डालेंगे या कोई ऑडियो डालेंगे या कोई टेक्स्ट डालेंगे, उनके विरुद्ध हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है जो लगातार निगरानी करता है, और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं। आप देखेंगे बुड़मू में इस तरह का मैसेज फैला और इसमें हम लोगों ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। तो जहां भी लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना चाहेंगे पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी और ठोस कार्रवाई करेगी।